कॉम्बिनेटोरिक्स हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास सिर्फ दो टॉपिक्स बचते हैं। इन दोनों टॉपिक्स को बहुत ध्यान से बहुत आराम से पढ़ना, ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और गेट में भर भर के इनसे क्वेश्चंस आए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के देख लेना, ठीक है। तो टॉपिक्स बहुत छोटे हैं, मैक्सिमम आधे घंटे के अंदर ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी एडवांटेज है। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और बहुत बार क्वेश्चन पुट हुए हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से बहुत आराम से पढ़ना इनको, ठीक है। ओके, तो जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज हाउ मेनी, ठीक है। हाउ मेनी मैंने आपको बताया, जैसे हाउ मेनी आ जाए कॉम्बिनेटोरिक्स हमारा लगेगा, है ना। हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीग्रल फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, पॉजिटिव इंटीग्रल फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, ठीक है। कितने इंटीग्रल फैक्टर्स हैं किसी नंबर के, पॉजिटिव है, ठीक है ना। हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीग्रल फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, नेगेटिव में हमें जाने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल फैक्टर्स देखने हैं किसी भी नंबर के, कितने होंगे। इस क्वेश्चन का हम अब आंसर करके आपको दिखाएंगे। पहले तो सिंपल एग्जाम्पल, जैसे सिक्स नंबर सिक्स है, सिक्स के कितने पॉजिटिव इंटीग्रल फैक्टर्स है, देखो एक तो वन हो गया, एक टू हो गया, एक थ्री हो गया और एक सिक्स हो गया, तो टोटल कितने इंटीग्रल फैक्टर्स है भाई, फोर, है ना। कोई और नंबर ले लो टेन हो गया, तो वन टू फाइव टेन, तो इसके लिए भी कितने इंटीग्रल फैक्टर्स हैं, फोर, है ना। अच्छा, तो ये तो हम मैनुअली कर रहे हैं, अब मैं कोई बहुत बड़ा नंबर दे दूं तो फिर कैसे करोगे, तो वहां पे हम लोग फंस जाएंगे। जैसे मैं आपको बोल दूं 2014, ठीक है, 2014 के कितने इंटीग्रल फैक्टर्स होंगे, इनफैक्ट ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन गेट में आया था, हाँ जी, कितने होंगे भाई। तो ऐसे तो मैनुअली करते रहेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसे नहीं करेंगे। तो इसके लिए देखो कुछ स्टेप्स हैं, बहुत सिंपल यू कैन से मेथड है। स्टेप नंबर वन क्या है जी, आपको लिखना होगा, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होगी, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर, ठीक है। पहला काम होगा जी प्राइम फैक्टराइजेशन करना। आई थिंक प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करनी आती होगी, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे कोई नंबर ले लो, से 24 मैंने ले लिया, तो 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं भाई, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर प्राइम कौन सा है, टू है, तो टू से शुरुआत करो, टू से डिवाइड करोगे 24 को, मैं कर देता हूँ, लो 24 है ना, टू से करो डिवाइड, हाँ जी 12 बचा, टू से करो डिवाइड 6 बचा, टू से करो डिवाइड 3 बचा, है ना, फिर 3 से करो डिवाइड 1 बच गया, और हम फिर यहाँ पे कंप्लीट करेंगे काम, है ना। तो इसको 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, 2 का क्यूब इंटू 3 पावर 1। आई थिंक ये तो सिंपल बात है, अभी सबको आती होगी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी, है ना। पहले दो दो से कर लो, जितनी बार दो दो से डिवाइड हो रहे करते चले जाओ, उसके बाद फिर 3 से देखो, फिर 4 से देखो, फिर सॉरी 4 से नहीं देखना, प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, हाँ जी 5 से देखो, उसके बाद फिर 7 से देखो, एंड सो ऑन, ठीक है। जैसे सिंपल और एग्जांपल ले लो, से मैं ले लेता हूँ 21, तो 21 के लिए आप क्या करोगे भाई, देखो 21 2 से तो जाता नहीं है क्योंकि ऑड नंबर है, तो 3 से जाएगा, 3 7 21, हाँ जी, तो अब सीधा 7 से जाएगा, तो 1 आ जाएगा, तो 7 into 3, तो 21 के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा जी, 3 पावर 1 into 7 पावर 1, ठीक है। मेरे ख्याल से ये चीजें तो बहुत बेसिक है, आपको आती होंगी, ठीक है, कोई नई बात नहीं, आपको सब पता होगा, हाँ जी। तो ये होगी जी प्राइम फैक्टराइजेशन 24 की। अच्छा जी, अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2, जो भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं ना, जैसे ये 2 आया है और 3 आया है, इनकी आप पावर्स देखो, फैक्टर्स को मारो गोली, आप इनकी पावर्स पे ध्यान लगाओ, हाँ जी 3 और 1 है ना, तो आप स्टेप नंबर 2, बस अब आंसर निकलेगा, मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल फैक्टर्स कितने होंगे जी, दैट विल बी गिवन बाय 3+1 × 1+1, समझ में आया, जो भी पावर है उसमें प्लस वन करके दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, तो आंसर विल बी व्हाट, 4 × 2 दैट इज 8, तो टोटल 8 फैक्टर्स होंगे 24 के। आप प्लीज अपने आप चेक कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क है। 6 के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना 4 आया है, तो 6 के लिए मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, हाँ जी 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो भाई, 2 पावर 1 × 3 पावर 1, है ना, 3 × 2 = 6 होता है, तो सिंपल बात सबको पता होगी, हाँ जी, तो 1+1 × 1+1, इट कम्स आउट टू बी 2 × 2 दैट इज 4, जो हमने अभी 4 आपको निकाल के दिखाया था, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। जनरलाइज मैं कर देता हूँ, कोई नंबर n है तो मैं उसको बोल सकता हूँ P1 पावर n1 × P2 पावर n2, ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ ना मैं इसकी, P3 पावर n3 डॉट, मतलब P1 पावर n1 × P2 पावर n2 × P3 पावर n3 डॉट, है ना, ऐसा चल रहा होगा। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल फैक्टर्स n की कितने होंगे भाई, n1+1 × n2+1 × n3+1 ... ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसका प्रूफ वैसे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल अगर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो मैं आपको छोटा सा हिंट दे देता हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम ऐसा कैसे कह पा रहे हैं, ठीक है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। चलो मैं फटाफट पहले साइड में हो रहा हूँ, आप इस सब चीज को फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, ठीक है, आई थिंक आपने कर लिया होगा नोट डाउन, हाँ जी। तो छोटा सा मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, तो वही एक नंबर ले लेता हूँ, वही छोटा सा नंबर लेता हूँ, उससे थोड़ा सा काम हमारा आसान हो जाएगा। लेट अस सपोज वही अपना नंबर 6 ले लेते हैं, नंबर 6 के मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्राइम फैक्टर्स 4 कैसे आते हैं बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है। नंबर 6 था तो हमने अभी देखा था 1, 2, 3 और 6, ये 4 प्राइम फैक्टर्स आए थे, सॉरी 4 फैक्टर्स आए थे, प्राइम नहीं बोलना, दीज आर 4 इंटीग्रल फैक्टर्स, पॉजिटिव इंटीग्रल फैक्टर्स, ठीक है। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन इसके कैसे निकाले थे हमने, 2 पावर 1 × 3 पावर 1, तो मैंने आंसर क्या बोला था जी, 1+1 × 1+1
दैट इज 2 इंटू 2 दैट इज 4। अच्छा ये मैंने कैसे बोल दिया था, बहुत सिंपल बात है। देखो भाई 2 पावर 1 और 3 इंटू 3 पावर 1 दैट इज 6 ना, तो मैं 6 डिवाइडेड बाय 2 पावर 0 करूं तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 पावर 0 विल बी फैक्टर। अच्छा और 2 पावर 1 इज आल्सो फैक्टर ऑफ 6। अच्छा जी अब 6 के 3 के लिए देखो 3 पावर 0 इज अ फैक्टर, ऑब्वियसली 3 पावर 0 इज 1 ना, और 2 पावर 0 इज 1 तो ऑब्वियसली फैक्टर होगा ही होगा, और 6 बाय 3 पावर 1 3 इज आल्सो फैक्टर ऑफ 6। ठीक है अच्छा अब देखो अब मैं क्या कहता हूं, मैं पहला ये पकड़ता हूं 2 पावर 0 पकड़ता हूं और 3 पावर 0 को लेता हूं, मल्टीप्लाई करवाता हूं तो क्या आंसर आएगा जी 1 * 1 दैट इज 1, तो 6 बाय 1 मतलब 1 इज द फैक्टर ऑफ 6। 2 पावर 0 * 3 पावर 1 दैट इज नथिंग बट 3 ओनली, तो 3 इज आल्सो फैक्टर ऑफ 6। देन 2 पावर 1 * 3 पावर 0 मतलब 2 इज द फैक्टर ऑफ 6। देन 2 पावर 1 * 3 पावर 1 दैट इज नथिंग बट 6, 6 इज द फैक्टर ऑफ 6। ठीक है तो यही टोटल 4 फैक्टर्स हमने निकाल के दिखाए ना, तो आपको समझ में आया यहाँ पे सेंस कैसे बन के आ रही है, यहाँ पे सेंस आप समझ पा रहे हो मल्टीप्लिकेशन क्या आ रही है और हम नंबर कैसे लेके चलते हैं, जीरो से शुरुआत करते हैं हमेशा। तो 2 पावर 1 अगर मैं बोल रहा हूँ तो 2 पावर 0 2 पावर 1 में 2 फैक्टर्स लेके आया था, तो इसलिए मैंने 1+1 कर दिया, और यहाँ पे 3 पावर 1 क्या था तो 0 और 1 दो चीजें लेके आया था, 3 पावर 0 3 पावर 1 इसलिए मैंने 1+1। सिंपल बात है, जीरो से गिनती शुरू कर रहे हो आप तो एन तक जा रहे तो एन प्लस वन आता है, वही बात है यहाँ पे। तो 3 पावर 1 था इसका मतलब जीरो से गिनती शुरू कर रहे थे तो 2, यहाँ पे भी 2 पावर 1 था तो 0 से गिनती शुरू करते थे तो 2, तो 1+1 और 1+1। अच्छा जी तो अब देखो मैंने इसको पकड़ के इन सब से लिंक करा, इसको पकड़ के इन सब से लिंक किया, तो आपको आई थिंक याद आ रहा होगा मल्टीप्लिकेशन रूल जो मैंने आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में सिखाया था, तो मल्टीप्लिकेशन रूल लग रहा है इसलिए चुपचाप से ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 4, इसलिए आंसर 4 आया था। ठीक है एक नंबर और देखने तो मैं आपको और दिखा देता हूँ, जैसे देखो भाई मैंने जैसे 24 लिया था तो 24 क्या था जी 2 पावर 3 × 3 पावर 1, 2 पावर 3 था ना ये, तो मैं ऐसे बोलूंगा ना 24 डिवाइडेड बाय 2 पावर 0, 24 डिवाइडेड बाय 2 पावर 1, 24 डिवाइडेड बाय 2 पावर 2 और 24 डिवाइडेड बाय 2 पावर 3, और यहां पे क्या बोलूंगा जी 24 डिवाइडेड बाय 3 पावर 0, 24 डिवाइडेड बाय 3 पावर 1। ठीक है ना अच्छा जी, तो मैं क्या कहूंगा वही यही बात बोलूंगा, 2 पावर 0 को पकड़ूंगा इन दोनों से लिंक करूंगा, फिर 2 पावर 1 को पकड़ूंगा इन दोनों से लिंक करूंगा एंड सो ऑन, तो सारे के सारे वो फैक्टर्स निकल के आएंगे 24 के। आप चेक करना चाहते हो तो कर लो, देखो 2 पावर 0 * 3 पावर 0 दैट इज 24 डिवाइडेड बाय 1 दिस इज द फैक्टर, 2 पावर 0 * 3 पावर 1 24 डिवाइडेड बाय 3 दिस इज द फैक्टर, 2 पावर 1 * 3 पावर 0 दैट इज 24 डिवाइडेड बाय 2 दिस इज द फैक्टर, देन 24 डिवाइडेड बाय 2 पावर 1 * 3 पावर 1 दैट इज 6 दिस इज द फैक्टर एंड सो ऑन। प्लीज मैं यहां पे टाइम पास नहीं करना चाहता, समझ पा रहे होंगे तो ये हमारे फैक्टर्स आएंगे, तो सेंस समझ में आई ना। देखो 2 पावर 3 और 3 पावर 1 था तो 3+1 = 4 और 1+1 दैट इज 2, तो इसलिए ये क्या बना जी 4 × 2 दैट इज इक्वल टू 8, तो टोटल 8 डिफरेंट फैक्टर्स आए थे 24 के, और कैसे थे वो पॉजिटिव इंटीग्रल फैक्टर्स। ठीक है तो स्टेप बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको एग्जाम में, आपको क्या करना है भाई सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगी ना तो जो भी पावर है ना प्राइम नंबर्स की उन पावर को +1 + 1 करके आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, दैट्स इट, ये हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। ठीक है आई थिंक आपको समझ आ गया होगा मैंने यहाँ पे कैसे किया है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ, थोड़ा सा और उससे अंदाजा हो जाएगा और कुछ नए नए पॉइंट्स मैं आपको समझा दूंगा। चलो मैं साइड में आ रहा हूँ, फटाफट से नोट डाउन करो। हाँ जी मैं हटा रहा हूँ इसको, अब देखो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अब आपको सिखाता हूँ, 2-3 पॉइंट्स आएंगे क्वेश्चन से ही, 2-3 पॉइंट्स आपके सामने आ जाएंगे। हाँ जी फॉर एग्जाम्पल ये लेते हैं हम 2014, ठीक है इसके मैं आपसे पूछता हूँ हाउ मेनी फैक्टर्स, हाउ मेनी प्रॉपर लिखता हूँ पॉजिटिव इंटीग्रल फैक्टर्स। हाँ जी तो वही बात है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी 2014 की, तो करो फटाफट 2014 दो से जाएगा तो 1007, ठीक है अब 1007 में मैं यही फंस जाऊंगा, तो 1007 कैसे करूं भाई, कहाँ से दो से जाएगा नहीं, तीन से भी नहीं जाएगा है ना, पांच से भी नहीं जाएगा, देखो भाई दो से तो जा नहीं रहा, तीन से भी नहीं जा रहा, पांच से भी नहीं जा रहा, सात से भी नहीं जाएगा, अब चेक कर लेना है ना, फिर और अगला कौन सा आएगा 11 से भी नहीं जाएगा, तो इसे कब तक चलते रहेंगे, तो आप वही बात है अगर आप मतलब थोड़ा जल्दबाजी करेंगे तो आप हिम्मत हार जाएंगे एग्जाम में छोड़ के भाग जाएंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन इतना डेड सिंपल क्वेश्चन था ये, मैं आपको थोड़ा सा रूल्स बताता हूँ। देखो भाई 1007 है ना, ठीक है तो ना आप क्या करो, आपको ये छोटा सा रूल पता होना चाहिए, कोई भी नंबर एन है तो उसके फैक्टर्स स्क्वेयर रूट ऑफ एन तक ही आ सकते हैं, ठीक है उससे ऊपर उसके फैक्टर्स आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। वैसे ना एक्चुअली चलो मैं दिखाता हूँ आपको तो आपको समझ में आएगा, जैसे हम मान लेते हैं ऐसे नंबर है हमारे पास 36, ठीक है 36 का स्क्वायर रूट करोगे तो कितना निकल के आएगा जी 6, तो आपको फैक्टर्स देखने हैं ना तो आप 6 तक देखना, 6 से ऊपर मत देखना, ठीक है मतलब इन द सेंस देखो दो पार्ट्स में ब्रेक कर देना, 1 × 36 दैट इज 36, देन 2 × 18 दैट इज 36, देन
थ्री इंटू ट्वेल्व दैट इज 36, ठीक है, एक बार मैसेज को हटा लेता हूं। अच्छा जी, उसके बाद फिर 4 इंटू 9 दैट इज 36, 5 से जाएगा नहीं, 6 इंटू 6 दैट इज 36। तो ये वाला पार्ट देखो भाई, 6 तक जाना है, 6 से ऊपर आपको जाने की जरूरत नहीं। इस वाले पार्ट को छोड़ो, ये तो ऑब्वियसली बड़े नंबर्स आएंगे, तो मतलब हमें फैक्टर्स देखने हैं। ऑब्वियसली फैक्टर देखने का मतलब क्या होगा, किसी नंबर को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करें तभी जाके 36 आए, तो वो फैक्टर हो जाएगा ना। 4 इज द फैक्टर, क्यों, क्योंकि 9 इंटू 4 इज 36। तो बेसिक सी बात आई थिंक पता होगी सब लोगों को, मैं इतने बेसिक्स मेरे को जाने नहीं चाहिए, बट स्टिल मैं बता रहा हूँ। तो आपको क्या ध्यान रखना है, 36 है ना, तो 36 का स्क्वायर रूट करो, दैट इज 6। तो 6 से ऊपर आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि 6 से ऊपर आप जाओगे तो फिर आगे हम कहेंगे कि इसके फैक्टर्स नहीं आएंगे वो, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ। और लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड की मैं बात नहीं करूंगी, राइट हैंड साइड तो ऑब्वियसली वो बड़े आएंगे ही आएंगे, है ना। तो 6 से ऊपर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ जी, तो 1007 है, तो अब मैंने वही क्वेश्चन पूछा था ना आपसे कि 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, 5 से नहीं जा रहा, 7 से नहीं जा रहा, तो फिर मैं कहां तक जाऊंगा, तो मैं मैक्सिमम रूट 10 तक जाऊंगा जी, रूट 10 से ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो 1007 है तो उसका स्क्वायर रूट करके देख लो, अप्रोक्सीमेटली 36 के अराउंड आएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट निकाल के देखना जरा इसकी, 1000 है ना, तो 1000 के स्क्वायर रूट निकाल के देखना, तो ये चेक करना 33 इंटू 33, देखो 33 इंटू 33 ये कितना आएगा जी, 9 1089, अप्रोक्सीमेटली 33 पे तो 1000 1089 आ रहा है, तो 32 कुछ आएगा, 31 जो भी है, मान 31 32 तक आप चेक कर लेना, अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ जी, तो 32 तक चेक करना है, 32 से ऊपर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आपको थोड़ी सी मतलब टेंशन कम हो जाएगी एग्जाम में, तो आप चेकिंग स्टार्ट करेंगे, और ऑब्वियसली वो भी सारे सिर्फ प्राइम देखने हैं, नॉन प्राइम देखने की जरूरत नहीं थी। जैसे मैंने यहाँ पे जो आपको समझाने के लिए 4 लेके आ गया, 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर, आप इसको यहाँ पे हटा भी सकते थे, ठीक है। इवन 6 इज ऑल्सो नॉट ए प्राइम नंबर, तो यहाँ पे आप इसको हटा सकते थे। तो प्राइम की अगर मैं बात करता, प्राइम फैक्टराइजेशन करना ना, इसलिए तो प्राइम फैक्टराइजेशन की मैं बात करता, तो 3 तक जाने की जरूरत थी, उसके ऊपर आपको जाने की जरूरत नहीं थी। तो मेरे ख्याल से आपको समझा रहा होगा मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। तो फाइनली हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ प्राइम फैक्टर्स देखने होंगे, मतलब प्राइम नंबर देखने होंगे, और कहां तक देखने होंगे, सिर्फ 32 तक। तो अब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि मेरे को थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए। 7 से नहीं जा रहा था, 11 से नहीं जा रहा, आप चेक करना 13 से भी नहीं जाएगा, और उसके बाद फिर आप चेक करना 17, ठीक है, 17 पे ये चला जाएगा, ठीक है, 17 पे जाएगा और ये निकालेगा 53, ठीक है, आप चेक कर लेना, 17 इंटू 53 1007 आएगा। अच्छा जी, और फिर अब 53 आ गया, तो फिर माइंड में आएगा कि 53 प्राइम नंबर है या क्या नंबर है, तो उसके लिए भी हमें वो चेकिंग करनी पड़ेगी। तो मैं चेकिंग दिखाता हूँ आपको, 53, तो वही चीज़ है, आप दो पार्ट्स में ब्रेक करना और चेक करना, मैं अब दिखाता हूँ आपको, हटा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है ना, देख रहे कितना आसान काम हो गया। तो 1007 था, कितना बड़ा नंबर था, 31 32 तक ही मैक्सिमम जाना था, और वो भी प्राइम नंबर से बीच में से लेने थे, बाकी सारे नंबर आप बीच में से उड़ा सकते थे। तो डिवाइड कर करके देख जाते, बीच में से किसी से डिवाइड होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे आगे टेंशन आपकी खत्म थी, ठीक है ना। हाँ जी, तो 53 के चेक करो भाई, 53 के लिए 1 इंटू 53 तो जाएगा जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद फिर 2 से नहीं जाता, 3 से नहीं जाता, अच्छा कहाँ तक जाना है वैसे, 53 का स्क्वायर रूट कर लो, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट कितना निकल के आएगा भाई, देखो ये जाएगा 7 point something आएगा, है ना, 7 into 7 49 होता है ना, तो 7 point something आएगा ये। तो 7 तक ही देखना है आपको, 2 से गया नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, 5 से ऑब्वियसली नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, है ना, आई थिंक आप चेक कर सकते हैं। उसके आगे तो आपको जाने की जरूरत नहीं है, है ना, 11 11 को सब तो 10 से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको सिखाया स्क्वायर रूट तक जाना होता है। तो एक झटके में आपको समझ में आएगा, किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब 53 इज है प्राइम नंबर। तो देखा कितनी जल्दी हमने पता लगा लिया, तो बस अब यहाँ पे 53 और यहाँ पे फिर बना जाएगा। हाँ जी, तो 2014 के लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करोगे भाई, देख रहे हो कितना अच्छा क्वेश्चन है, गेट में काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को मिंगल अप करके क्वेश्चन पूछते हैं, एक सिंगल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं आता। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में भी देखो मैंने कितने सारे आपको कॉन्सेप्ट नहीं सिखा दिए, तो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट्स। पहला कॉन्सेप्ट आपको क्या समझ में आया, किसी भी नंबर की अगर आपको देखना है कि उसके क्या डिवाइजर होंगे और क्या नहीं होंगे, तो उसके स्क्वायर रूट तक जाना, स्क्वायर रूट से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, और स्क्वायर रूट तक जाते टाइम भी आपको सिंपल सिर्फ प्राइम नंबर्स को ही चेक करते हुए चलना है, सभी नंबर्स को चेक नहीं करने की जरूरत, ठीक है। जैसे मैंने आपको वो प्रीवियस एग्जांपल मैंने आपको लेके दिखाया भी था, तो वहां पे हम सिर्फ प्राइम नंबर्स तक ही लेके चल रहे थे, रादर बीच में मैंने शायद 4 भी घुसा दिया था, तो 4 को हमें ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं थी, आप उन सबको स्किप कर सकते थे। हमें सिंपली क्या कहां तक जाना होता है, स्क्वायर रूट तक जाना होता है, और स्क्वायर रूट में भी कहां तक, सिर्फ प्राइम नंबर्स को ही लेके चलना होता है, ठीक है। जैसे हमने 1007 का स्क्वायर रूट देखा, तो 31 32 के अराउंड आ रहा था, तो हमें सिर्फ स्क्वायर रूट 31 32 तक
मतलब हमें नंबर्स को चेक करना होगा, उसके आगे में चेक करने की जरूरत नहीं है। और 31 32 जो भी नंबर है यहां तक भी हमें सिर्फ प्राइम नंबर्स को ही बीच में चेक करते हुए चलना है, सब नंबर्स को चेक करने की जरूरत भी नहीं है। तो बहुत छोटा और बहुत इजिली हम आंसर कर पाएंगे। आई थिंक आप समझ पा रहे होगा मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। ओके, और फटाफट आपको ये भी पता लग जाएगा कि नंबर प्राइम है या नहीं है। तो नंबर प्राइम है या नहीं कैसे पता लगाओगे, बस जो भी नंबर है 53 उसका स्क्वायर रूट देख लो, उसके स्क्वायर रूट तक अगर किसी भी प्राइम नंबर से ये डिवाइड हो गया तो ठीक है, तो वो प्राइम नहीं होगा। अगर किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ तो आप उसको छोड़ के भाग सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि दिस इज प्राइम नंबर, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, जैसे मैंने 53 की चेकिंग स्टार्ट करवाई तो हमें कहां तक जाना चाहिए था, 53 का स्क्वायर रूट दैट इज 7, अप्रोक्सीमेटली 7 कुछ आएगा, तो 7 तक ही आपको जाने की जरूरत थी, इसके ऊपर आपको जाने की जरूरत नहीं थी। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, एक ठीक है जी। तो फाइनली अब हम क्या कहेंगे, 2014 के फैक्टर्स क्या बने जी, 2 पावर 1 × 17 पावर 1 × 53 पावर 1। हाँ जी, तो बस आपको दिक्कत नहीं है, 1 + 1 × 1 + 1 × 1 + 1। हाँ जी, तो 2 × 2 × 2 दैट इज नथिंग बट 8। तो ठीक है, टोटल 8 फैक्टर्स होंगे 2014 में, और वो कैसे होंगे, पॉजिटिव इंटीग्रल फैक्टर्स होंगे, ठीक है। अब प्लीज बार बार बोल रहा हूँ वो प्राइम है या नहीं, मेरे को से कोई मतलब नहीं है, टोटल फैक्टर्स कितने होंगे जी, 8 होंगे, ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल फैक्टर्स, याद रखना यहाँ पे कोई प्राइम प्राइम का चक्कर नहीं है, निकलते ये प्राइम फैक्टराइजेशन से है, बट एक्चुअली ये जो फैक्टर्स निकलेंगे वो प्राइम नहीं होंगे, मतलब हो भी सकते नहीं भी, हार्डली मैटर्स टू मी, ठीक है। जैसे मैंने आपको 6 के लिए दिखाया था, 6 के लिए मैंने बोला था ना 1 2 3 और 6, तो टोटल 4 फैक्टर्स थे, तो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, बट हमने इनको काउंटिंग करा है, ठीक है। और इनफैक्ट ये बात ध्यान रखना प्लीज, पॉजिटिव इंटीग्रल फैक्टर्स जब निकाल रहे होते हैं 1 और इटसेल्फ ये दोनों इंक्लूडेड होते हैं, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड में फिट करके रखना। मैंने आपको एग्जांपल के तौर दिखाया भी था, 6 के लिए मैंने 1 2 3 6 4 बताए थे, और हमने इसको कैसे निकाला था, 6 के लिए क्या बोला था जी, 2 पावर 1 × 3 पावर 1, तो 1 + 1 × 1 + 1, तो 2 × 2 दैट इज नथिंग बट 4। तो ये 4 आया है, इसमें 1 और इटसेल्फ दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपने माइंड में अच्छे से फिट करके रखना, ठीक है जी, नोट करके लिख लेना, 1 एंड इटसेल्फ आर ऑलवेज इंक्लूडेड। अगर बोल देगा कि 1 एंड इटसेल्फ आर नॉट इंक्लूडेड तो -2 कर देना बस, और क्या होगा, ठीक है। आई थिंक आप समझ रहे होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, चलो ठीक है जी, दैट्स इट। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, मैं आप साइड में हो रहा हूं, इसको फटाफट नोट डाउन करो फिर और आगे बढ़ रहा हूं। हाँ जी, हटा रहा हूं मैं इसको। अच्छा जी, तो अब एक एक दो क्वेश्चन और देखो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं वो गेट में। देखो सपोज करो हमारे पास एक नंबर है, से थोड़ा बड़ा नंबर में लेता हूँ, लेट अस सपोज नंबर इज 2 पावर 100। तो मैं ऐसे बोलता हूँ, अ फैक्टर इज पिक्ड एट रैंडम, अ फैक्टर ऑफ, लिख लेता हूँ, अ फैक्टर ऑफ 2 पावर 100 इज पिक्ड एट रैंडम, what is the probability that it is factor of 2 power 90 also, ठीक है, मैंने roughly लिखा है, मैं फटाफट पढ़ देता हूँ, a factor of 2 power 100 is picked at random, 2 power 100 का कोई भी मैंने factor pick कर लिया randomly, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ what is the probability that इट इज द फैक्टर ऑफ 2 पावर 90 ऑल्सो, ठीक है। तो पहले तो मुझे ये बताओ कितने फैक्टर्स होंगे 2 पावर 100 के। देखो मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया, 2 इज अ प्राइम नंबर ना, तो देखो नंबर पी पावर एन है, उसके फैक्टर्स कितने होंगे भाई, एन प्लस वन, मैंने अभी आपको बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे हम नंबर्स की, है ना, जैसे 6 था तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करती है 2 पावर 1 × 3 पावर 1, है ना। तो अब क्या बोला था हमने, 2 पावर 1 के कितने फैक्टर, 1 + 1, 3 पावर 1 के कितने फैक्टर्स, 1 + 1, तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करा के हमने आंसर निकाल दिया था। तो अब आपको खास बात क्या, नंबर ही मैंने आपको 2 पावर 100 दे दिया है, तो आपको एक मन 1% भी मन में टेंशन आना चाहिए, उसके कितने फैक्टर्स होंगे भाई, पी पावर एन है नंबर, पी इज अ प्राइम नंबर, मतलब सॉरी 2 इज अ प्राइम नंबर ना, जैसे मैंने बोल दिया पी पावर एन, तो उसके फैक्टर्स कितने होंगे भाई, ऑब्वियसली एन प्लस वन, है ना, सिंपल बात है एकदम। अच्छा जी, तो अब देखो एन प्लस वन मतलब इसके 2 पावर 100 के कितने फैक्टर्स होंगे जी, 101 फैक्टर्स होंगे। अच्छा जी, सिमिलरली अब आप मुझे बताओ 2 पावर 90 के कितने फैक्टर्स होंगे, 91 होंगे, है ना, 90 + 1 दैट इज 91। अच्छा जी, तो अब मैंने कोई भी फैक्टर पिक किया और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो 91 का मतलब 2 पावर 90 का भी फैक्टर निकले, कोई भी फैक्टर मैंने पिक किया 2 पावर 100 का और मैं कह रहा हूँ कि 2 पावर 90 का भी फैक्टर निकले, तो वही बात है, फेवरेबल केसेस कितने हैं भाई, 91, और टोटल केसेस कितने हैं भाई, 101, तो 91 डिवाइडेड बाय 101, दिस इज माय आंसर, सो सिंपल, ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था, ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन मैं और करता हूँ, मैं देखता हूँ आपका दिमाग कितना चलकर कितना नहीं चलता है। लेट अस सपोज मैं 2 की बजाय यहाँ पे 6 कर दूं, तो आप क्या करोगे, अ फैक्टर ऑफ 6 पावर 100 इज पिक्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज द फैक्टर ऑफ 6 पावर 90 ऑल्सो, तो अब आप क्या करोगे मुझे ये समझाओ,
क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अभी बहुत ध्यान से और बहुत आराम से करना। 6 पावर 100 मैंने कहा है ना, देखो भाई सीधी सी बात है, 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो पहले मुझे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से मैं आंसर करूंगा, मैं हटा रहा हूँ इसको, ठीक है। हाँ जी, तो 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आती है। हाँ जी, 6 क्या होता है जी, 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है जी, 2 into 3 है ना, तो 6 पावर 100 क्या होगा जी, ऑब्वियसली 2 into 3 पावर 100। अच्छा अब आपको पता होगा 2 into 3 पावर 100 का मतलब क्या होगा जी, 2 पावर 100 into 3 पावर 100 है ना, तो बेसिक सी बात है पता होगा, ए बी पावर एन दैट इज नथिंग बट ए पावर एन इंटू बी पावर एन। आप प्लीज ये सब चीजें अपने आप से देख सकते हैं, प्रूफ प्लीज, हर चीज का प्रूफ आपको आना चाहिए, प्रूफ आपके लिए होमवर्क है, प्लीज अपने आप इसको प्रूफ करेंगे कि ए बी पावर एन इज इक्वल टू ए पावर इंटू बी पावर एन क्यों होता है, ठीक है। सिंपल थोड़ा सा हिंट देता हूँ, आप इसको मैं नहीं देता हिंट, ठीक है, मैं हिंट दूंगा तो फिर एक झटके में समझ में आ जाएगा, आपको कुछ बचाएगा ही नहीं इसमें, आपको प्लीज अपने आप से करके देखना है इसको। अच्छा जी, तो 2 पावर 100 into 3 पावर 100 ये बन के आ गया। अच्छा अब कुछ बचा ही नहीं, तो इसके कितने फैक्टर्स होंगे जी, 2 पावर 100 के 101, और इसके कितने फैक्टर्स होंगे जी, अगेन 101, तो 101 into 101 ये टोटल फैक्टर्स होंगे किसके, 6 पावर 100 के। अच्छा जी, अब 6 पावर 90 के कितने फैक्टर्स होंगे, आप समझ गए होंगे, 2 पावर 90 into 3 पावर 90 मतलब 91 into 91 है ना। अच्छा जी, तो बस अब क्या बचा, तो अब तो ये फेवरेबल केसेस है, ये टोटल केसेस है, तो फेवरेबल केसेस कितने होंगे भाई, 91 का सीधा लिख दूं मैं, बस 91 divided by 101 का होल स्क्वायर है ना, 91 divided by 100 into 101, तो 91 divided by 101 का होल स्क्वायर, तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ फैक्टर पिक्ड एट रैंडम ऑफ 6 पावर 100 एंड दैट विल बी ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 6 पावर 90, ठीक है, आई थिंक समझ में आएगा होगा सबको, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, बस थोड़ा सा वही बात है, ट्विस्ट करके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको अच्छे से माइंड में फिट करके रखते हैं, ठीक है, चलो ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया है, दैट इज पॉजिटिव इंटीग्रल फैक्टर्स। अब एक टॉपिक में लास्ट एक और दिखाता हूँ, उस पर भी काफी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ना, उसको भी हटा रहा हूँ इसको, ठीक है। हाँ जी, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज देखो पहले क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, क्वेश्चन है हाउ मैनी नंबर्स फ्रॉम 1 to n आर रिलेटिवली प्राइम टू n, ठीक है, हाउ मैनी नंबर्स फ्रॉम 1 to n आर रिलेटिवली प्राइम टू n। तो रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या होता है, जीसीडी इज 1, ठीक है, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि m gcd of m or n is equal to 1, this means what, m and n are relatively prime। अच्छा जी, और इसका दूसरा नाम भी होता है को प्राइम, ठीक है, तो को प्राइम बोलो या रिलेटिवली प्राइम बोलो एक ही बात है, ठीक है जी, तो m and n are को प्राइम नंबर्स, m and n are relatively prime, याद रखना है दोनों का gcd बनाना चाहिए, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बनाना चाहिए, मतलब इन द सेंस इनका कोई भी कॉमन डिवाइजर ना निकले 1 के अलावा, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2, 3 दीज आर को प्राइम नंबर्स है ना, और खास बात क्या है जी, दोनों के दोनों प्राइम हैं, ठीक है। अच्छा क्या ये बात जरूरी है कि दोनों को प्राइम होना चाहिए, नहीं, फॉर एग्जांपल 9, 10, अब देखो जी 9 और 10 दोनों ही, 10 तो प्राइम नहीं है और 9 भी प्राइम नहीं है, बट स्टिल दे आर को प्राइम नंबर्स, क्यों, क्योंकि 9 और 10 का जीसीडी कितना आएगा भाई, ऑब्वियसली 1 निकल के आएगा, है ना, समझ पा रहे हो, तो कोई जरूरी नहीं कि दोनों प्राइम हो, कोई जरूरी नहीं कि एक प्राइम हो, कोई इसमें कोई वो बात हार्ड एंड फास्ट रूल है ही नहीं, बस आपको सिंपली इतना ध्यान रखना है, इवन देखो इनफैक्ट 3 और 10 ले लेता हूँ, तो इनका जीसीडी भी क्या आएगा जी, 1 ही आएगा, तो ये भी को प्राइम है, ठीक है, तो एक प्राइम होगा एक नॉन प्राइम होगा, दोनों नॉन प्राइम हो गए, दोनों ही प्राइम हो गए, तो इट हार्डली मैटर्स टू मी, कोई भी कैसा भी नंबर आ सकता है, मतलब इन द सेंस अगर कोई भी दो नंबर मैं पिक करता हूँ और दोनों का जीसीडी 1 निकल के आता है, तो उनको को प्राइम बोल देते हैं या बोल देते हैं रिलेटिवली प्राइम, ठीक है। तो अब मैंने आपसे क्वेश्चन देखो कितना अच्छा और कितना इंटरेस्टिंग पूछा है, कितने नंबर्स होंगे 1 टू n के बीच में जो कि रिलेटिवली प्राइम होंगे n से, ठीक है, मतलब जिनका जीसीडी n के साथ 1 आएगा, ठीक है जी, तो वो अब हमें बताना है। तो देखो मैं अब आपको सिखाता हूं कि हम लोग इसको कैसे अप्रोच करेंगे, देखो भाई सिंपल बात है एकदम, मैं इस चीज को हटाता हूं, ठीक है, हाँ जी, छोटा सा एग्जांपल से सिखाता हूं, फिर मैं आपको फॉर्मूला दूंगा, है ना, फॉर्मूले के बिना तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नंबर आएंगे एग्जाम में, छोटे नंबर तो आएंगे नहीं, छोटे नंबर आएंगे तो आप एक झटके में वैसे ही बता देंगे, जैसे मैं आपको पूछूं 6, तो हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम, जैसे 6 मैं दे देता हूं, तो मैं आपसे पूछता हूं कि हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 टू 6 आर को प्राइम टू 6,
टू प्राइम टू सिक्स, बहुत आराम से बताओगे आप, लिस्ट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। देखो 1 और 6 ठीक है जी, 1 एंड 6 आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। अच्छा जी, 2 और 6 बात नहीं बनेगी, 3 और 6 भी बात नहीं बनेगी, 4 और 6 की भी बात नहीं बनेगी, 5 और 6 की बात बन जाएगी, है ना। तो 1 और 5 ये दो नंबर्स हैं जो कि रिलेटिवली प्राइम है 6 के। मेरे ख्याल से मैं समझ पा रहे हो कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दिया, 2 और 6 की नहीं बात बनी क्योंकि इनका कॉमन डिवाइजर 2 बन के आएगा। 3 और 6 क्यों, क्योंकि कॉमन डिवाइजर 3 है, 3 डिवाइड करें ना 6 को, इसलिए 4 और 6 के लिए कॉमन डिवाइजर 2 है, समझ पा रहे हो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर में बात कर रहा हूँ। 5 और 6 में 1 आएगा और 6 और 6 में ऑब्वियसली 6 ही आ जाएगा, इसलिए 1 और 5 सिर्फ 2 ही नंबर्स हैं जो कि रिलेटिवली प्राइम है 6 के। तो हम क्या कहेंगे जी, नंबर ऑफ 1 टू 6 कितने नंबर्स हैं को प्राइम टू 6, आंसर विल बी 2, ठीक है। तो ऐसे मेरे को आंसर करना है। अच्छा जी, तो इसका शॉर्टकट या इसका हम कहें कि अगर जल्दी जल्दी आंसर निकालना है तो इसके लिए हम यूज करते हैं ऑयलर टोशेंट फंक्शन का, ऑयलर्स टोशेंट फंक्शन। कोई लोग इसको यूलर बोलते हैं, यूलर नहीं है भाई, ये ऑयलर है, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन है ऑयलर, ऐसे पढ़ना है इसको, आप विकिपीडिया पे चेक कर सकते हैं, यूलर नहीं है, ऑयलर है, ठीक है। बहुत लोग इसको यूलर यूलर बोलते रहते हैं, आपका कोई नाम बिगाड़ेगा तो आपको कितना बुरा लगेगा ना, तो ऐसे इस बेचारे को भी बहुत बुरा लगता होगा इसका कोई नाम गलत तरीके से प्रोनाउंस करता होगा, तो है ना, इसलिए याद रखना इसको अच्छे से प्रोनाउंस करना ऑयलर, फिर कैसे थोड़ा मतलब मैनर्स वाली बात ही और कुछ नहीं है, नाम अच्छे से और तमीज से बोलना चाहिए किसी का, उल्टा पुल्टा नाम नहीं बोलना चाहिए, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। ओके, तो दिस इज ऑयलर। अच्छा जी, तो ऑयलर टोशन फंक्शन, ऑयलर टोशन फंक्शन रिप्रेजेंट होता है जी फाई से, फाई ऑफ एन, इसको फी ऑफ एन भी बोलते हैं, ठीक है। इसका सिंबल थोड़ा अलग सा होता है, वो मेरे को ढंग से बनाना नहीं आता है, ऐसे करके कुछ सिंबल होता है ये, ऐसे ऐसे, ठीक है। हाँ जी, तो ये है फी ऑफ एन, फी बोलते हैं इसको, फी ऑफ एन। तो ये क्या बताता है भाई, यही फी ऑफ एन क्या होता है भाई, नंबर्स फ्रॉम 1 टू n व्हिच आर रिलेटिवली प्राइम टू n, ठीक है। तो फी ऑफ n क्या है जी, फी ऑफ n इज 1 टू n हाउ मेनी नंबर्स, ये प्रॉपर लिखता हूं मैं, फी ऑफ n क्या बताता है भाई, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 टू n आर रिलेटिवली प्राइम टू n। प्लीज बात ध्यान रखनी है, नंबर की लिस्ट नहीं देता ये, कितने नंबर्स और कौन कौन से नंबर होंगे वो नहीं बताता, ये सिर्फ ये बता पाता है हाउ मेनी नंबर्स, मतलब कितने नंबर्स होंगे जो कि रिलेटिवली प्राइम टू एन होंगे। मतलब मैं सिंपल बोलूं तो फी ऑफ सिक्स क्या निकल के आएगा जी, 2। तो ये नहीं बता पाएगा 1 और 5 मतलब कौन कौन से वो नंबर है, ये नहीं बताता, ये सिंपली आपको क्या बताता है, 2, मतलब 2 नंबर्स हैं जो कि रिलेटिवली प्राइम होंगे 6 के, बस दैट्स इट, ये है हमारा फी ऑफ एन। तो अब मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूले से समझाता हूँ कि फी ऑफ एन हम लोग कैसे निकालेंगे, मैं हटा रहा हूं इसको। हाँ जी, तो फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, मतलब दिक्कत नहीं है कि आपको समझने में, और इसकी प्रूफ में हमें नहीं जाना, आपको सिंपली फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, क्योंकि प्रूफ में जाओगे तो बहुत ज्यादा नंबर थ्योरी के कंसेप्ट हमें यूज करने पड़ेंगे, तो वो हमारे गेट के स्कोप के बाहर की चीजें हैं, तो हमें उसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फी ऑफ एन क्या होता है जी, सबसे वही स्टेप नंबर वन क्या होगा जी, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आप क्या बोलेंगे, जैसे सपोज करो मैं बोलता हूं कि n नंबर था, तो उसके लिए हमने बोल दिया p1 पावर n1 मल्टीप्लाइड बाय p2 पावर n2 मल्टीप्लाइड बाय p3 पावर n3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगी इस नंबर n की। तो जी फी ऑफ n क्या होगा, फी ऑफ n विल बी इक्वल टू, दो फॉर्मूले हमारे पास, जो सा अच्छा लगे आप वो लगा लेना। पहला फॉर्मूला क्या कहता है, n मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 बाय p1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 बाय p2, मतलब पावर्स को मारो गोली, पावर से आपका मतलब नहीं है, n1 n2 n3 इन सब से कोई मतलब नहीं है, आप सिंपली मल्टीप्लाई कराते चले जाओ, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 बाय p3 डॉट 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 डॉट, ठीक है। सिंपल मैं आपको इसका दिखाता हूँ एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल फी ऑफ सिक्स निकालना है मुझे, तो फी ऑफ सिक्स क्या होगा जी, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 1, इन पावर से हमारा कोई मतलब नहीं है, इनको मारो गोली, आप सिंपली क्या बोलेंगे जी, फी ऑफ सिक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, एन था ना ये, हाँ जी, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 बाय 3, हाँ जी, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 बाय 3, तो ये देखो क्या आंसर निकला, 2, यही हमने 2 निकाला था ना पहले, तो मैंने यहाँ पे आपको निकाल के दिखा दिया। कोई और नंबर ले लो, जैसे मैं बोलता हूँ फी ऑफ, आप मुझे निकाल के दिखाओ 50, तो फी ऑफ 50 कैसे निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले क्या करोगे 50 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 पावर 1 25 बचा तो 5 पावर 2,
ठीक है जी, अब कोई दिक्कत नहीं, 50 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 बाय 5, ठीक है, पावर्स को मारो गोली, बस आप प्राइम फैक्टर्स देखो, 50 इंटू 1 माइनस 1 बाय 2 इंटू 1 माइनस 1 बाय 5, हाँ जी, तो 50 इंटू 1 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 बाय 5, तो यहाँ बचा 10, यहाँ बचा 5, तो कितना निकल के आया जी 20, तो हम क्या कहेंगे 50 के 20 ऐसे यू कैन से नंबर्स हैं जो कि 1 टू 50 ऐसे बोलेंगे, 1 टू 50 टोटल 20 ऐसे नंबर्स हैं जो कि रिलेटिवली प्राइम है 50 से, मतलब जिनका जीसीडी 50 के साथ 1 आएगा, ठीक है जी, आई थिंक समझ आएगा होगा सब लोगों को, मेरे ख्याल से मेरे को इसकी और प्रैक्टिस नहीं करानी चाहिए, आप सिंपली समझ चुके होंगे हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अब मैं साइड में हो रहा हूँ, आप फटाफट से इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आपको दूसरा फॉर्मूला दिखाता हूँ इसका, ठीक है, ओके, ठीक है, आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं हटा रहा हूँ इसको, दूसरा फॉर्मूला देखो, दोनों में से जो फॉर्मूला आपको ठीक लगे, जो आसान लगे आप उसको लगा लेना एग्जाम में, ठीक है, आपकी मर्जी है, जो सा आपको अच्छा लगे। अच्छा जी, दूसरा फॉर्मूला देखो क्या कहता है, स्टेप नंबर 1 तो यही रहेगा जी, प्राइम फैक्टराइजेशन, बट यहाँ पे पावर्स का यूज होगा, ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो, जैसे 50 है तो 50 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग, तो क्या निकल गया 2 पावर 1 इंटू 5 पावर 2, ठीक है जी। अच्छा अब आपको क्या करना है, अब ये लेना है नंबर, तो 2 पावर 1 माइनस 2 पावर 0 ऐसे करना है, मल्टीप्लाइड बाय 5 पावर 2 माइनस 5 पावर 1, ठीक है, मतलब एक पावर कम करके माइनस कर देना है, तो 2 पावर 1 माइनस 2 पावर 0, 5 पावर 2 माइनस 5 पावर 1, हाँ जी, तो ये देखो क्या आंसर निकालेगा जी, 2 माइनस 1 दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 पावर 2 मतलब 25, 25 माइनस 5 इज 20, तो थोड़ा सा जल्दी आंसर निकलेगा इस फॉर्मूले से, ठीक है, और कुछ नहीं है, तो वही हमने अभी प्रीवियस निकाल के दिखाया था 20, यहाँ से भी आपका 20 ही आ रहा है, तो जनरली हम क्या कहेंगे जी, n है नंबर, तो हम क्या कहेंगे p1 पावर n1 मल्टी प्राइम फैक्टराइजेशन करने से p2 पावर n2 मल्टीप्लाई बाय p3 पावर n3 डॉट 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 ऐसे आया है, तो आपको कुछ नहीं करना भाई, p1 पावर n1 माइनस p1 पावर n1 माइनस 1, एक एक पावर कम कर दो बस, p2 पावर n2 माइनस p2 पावर n2 माइनस 1 डॉट डॉट डॉट, समझ गए होगे आप लोग, ठीक है जी, ओके, तो एक एक दो नंबर और देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 36 है, तो 36 क्या होगा जी, 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2, 9 फोर 36 होता है ना, मैंने फटाफट से लिख दिया। अच्छा जी, तो अब आप क्या बोलोगे जी, 2 पावर 2 माइनस 2 पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 2 माइनस 3 पावर 1, हाँ जी, तो 4 माइनस 2 डेट इज 4 2 और 9 माइनस 3 डेट इज 6, तो इसका आंसर कितना आएगा जी 12, ठीक है, और दूसरे मेथड से देखना, तो दूसरे मेथड से दिखाता हूँ, लो भाई 36 इंटू 1 माइनस 1 बाय 2 इंटू 1 माइनस 1 बाय 3, जो दूसरा मेथड है उसमें पावर्स का यूज होता ही नहीं है, मतलब जो पहले मेथड मैंने दिखाया था उसमें पावर्स का यूज नहीं होता है, लेकिन दूसरे मेथड में पावर्स का यूज होता है, बस इस बात को आपको माइंड में रखना है, हाँ जी, तो फाइनली ये क्या निकल के आएगा भाई, आप बता सकते हैं 36 इंटू 1 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 बाय 3, हाँ जी, तो ये कितना निकल के आया जी 18, 3 6 था 18, 6 इंटू 2 12, देख रहे हो सेम टू सेम आंसर आ रहा है 12, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, प्रूफ में हमें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, दैट्स इट, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू, तो हमें यूलर टोशियन फंक्शन के बारे में भी अच्छे से समझ में आ चुका है। अच्छा अब कई की बारी ना क्वेश्चन घुमा घुमा के आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ एक नंबर एन है, एन इज इक्वल टू पी स्क्वेयर इंटू क्यू, ठीक है, या ऐसे बोलता हूँ पी स्क्वेयर क्यू, ठीक है, और पी और क्यू हमारे को कह रहे हैं कि ये प्राइम नंबर्स हैं, और मैं आपको कहूँ हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 टू n आर रिलेटिवली प्राइम टू n, कैसे निकालोगे, तो क्वेश्चन घुमा दिए भाई और कुछ नहीं है, देखो n इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू है, तो आप ये समझ लो आपका काम उल्टा आसान करके दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको पहले ही प्राइम फैक्टराइजेशन करके दे रखी है, p एंड q प्राइम नंबर बोल रखा है ना, तो आपको पहले ही प्राइम फैक्टराइजेशन करके दे रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, p और q को मारो बोली, जो मर्जी हो हम आंसर उसी में निकाल के दिखा देंगे, हाँ जी, तो कितने होंगे, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 टू n आर रिलेटिवली प्राइम टू n, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद दो मेथड है, दोनों मेथड से आप आंसर निकाल के दे सकते थे, तो जो दूसरे वाले से दिखाते हैं थोड़ी कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी, हाँ जी, तो क्या कहेंगे जी पी स्क्वायर माइनस पी पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय क्यू पावर 1 माइनस क्यू पावर 0, तो पी स्क्वायर माइनस पी मल्टीप्लाइड बाय क्यू माइनस 1, ठीक है जी, इनको मल्टीप्लाई करा के आप आंसर निकाल सकते हो, और दूसरे मेथड से निकालते या मतलब जो पहला दिखाया था उससे निकालते, तो हम क्या कहते हैं एन मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 बाय पी और 1 माइनस 1 बाय क्यू, क्योंकि हमें वहां पे पावर से मतलब नहीं होता है, तो सॉल्व करके आप अपने आप आंसर निकाल लेना, बहुत आसानी से और बहुत आराम से आंसर निकल आएगा, मेन चीज क्या है क्वेश्चन कई बार गेट में घुमा के आ जाते हैं, ये भी गेट का ही क्वेश्चन मैंने आपको कराया है,
तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करके दे देते, और अच्छी बात है, बस आप उसको आगे सॉल्व कर लो। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो एक दो बातें मेरे मन में और आ रही है, वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं वीडियो को कंप्लीट करूंगा। ओके, अच्छा देखो, हमने आपको सिखा दिया है कि फी ऑफ एन दैट इज यूलर टोशन फंक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं। कई की बारी कुछ स्पेशल नंबर्स आ जाते हैं, जैसे प्राइम नंबर आ रहे हैं, तो प्राइम नंबर्स के केस में हम यूलर टोशन फंक्शन बहुत जल्दी और बहुत आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल बात है, आपको वैसे समझ में आ भी जाएगी, फॉर्मूले से भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, बट बेसिक सी बात मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, फी ऑफ एनी प्राइम नंबर दैट विल बी इक्वल टू पी माइनस वन, ये बात आपको माइंड में रखनी है, बहुत सिंपल बात है, आप प्रूफ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था फी ऑफ एन क्या होता है जी, हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे ना, पी वन पावर एन वन मल्टीप्लाइड बाई पी टू पावर एन टू डॉट डॉट डॉट, तो हम क्या कहते थे भाई, पी वन पावर एन वन माइनस पी वन पावर एन वन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई पी टू पावर एन टू माइनस पी टू पावर एन टू माइनस वन डॉट डॉट डॉट, है ना। तो जैसे मैंने फी ऑफ सिक्स आपको समझाया था, टू पावर वन इंटू थ्री पावर वन है, तो इसका मतलब क्या होगा जी, टू पावर वन माइनस टू पावर जीरो मल्टीप्लाइड बाई थ्री पावर वन माइनस थ्री पावर जीरो, है ना। तो कितना निकल के आया था ये, टू पावर वन मतलब वन इंटू में टू, तो इट कम्स आउट टू बी टू, है ना, थ्री माइनस वन इज टू, हाँ जी, तो टू इंटू वन डेट इज टू। तो अब एक खास बात देखो, अगर मैं आपको कहूं कोई प्राइम नंबर है, जैसे देखो ये टू भी प्राइम नंबर था, थ्री भी प्राइम नंबर था, तो टू प्राइम नंबर अगर टू था तो उसका फी क्या निकला था, उसका फी निकला था टू पावर वन माइनस टू पावर जीरो मतलब टू माइनस वन, है ना, दैट इज वन। अच्छा, थ्री इज अ प्राइम नंबर, तो उसका फी क्या निकला था, उसका फी निकला था थ्री पावर वन माइनस थ्री पावर जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, टू, है ना। तो आप आराम से समझ पा रहे होगे क्योंकि टू और थ्री प्राइम नंबर थे ना। तो ऐसे अगर मैं बोलूं कि कोई प्राइम नंबर लेते हैं सेवन, तो फी ऑफ सेवन क्या होगा जी, सेवन पावर वन माइनस सेवन पावर जीरो, इट कम्स आउट टू बी सिक्स, तो ऑब्वियसली फी ऑफ पी कोई भी प्राइम नंबर आप ले लो तो उसका क्या होगा जी, पी माइनस वन, समझ गए ना, ये सिंपल वही प्रॉपर्टी से या सिंपल फॉर्मूले से मैंने आपको प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक्चुअली देखो ये मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी होती है और हमें इसके प्रूफ में जाने की जरूरत नहीं है। फी ऑफ सिक्स एक्चुअली में क्या होगा, फी ऑफ टू मल्टीप्लाइड बाय फी ऑफ थ्री, ठीक है, क्योंकि टू इंटू थ्री इज सिक्स ना, तो और टू और थ्री दोनों प्राइम नंबर हैं, तो जो प्राइम नंबर होंगे हम उनके फी को मल्टीप्लाई करवा करके एक्चुअल नंबर की फी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फी ऑफ टू मैंने आपको बता दिया, टू पावर वन माइनस टू पावर जीरो, फी ऑफ थ्री ये मैंने बता दिया, थ्री पावर वन माइनस थ्री पावर जीरो, तो उससे हमने आराम से आंसर जल्दी जल्दी निकाल दिया था। ठीक है, तो कोई भी हमारे पास नंबर एन है तो हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो भी हमारे पास पावर्स आ रही है ना प्राइम नंबर की, उसके हिसाब से हम लोग आंसर निकाल रहे, तो मतलब जो भी गिवन पावर होगी माइनस एक पावर कम कर लेना आपको। ठीक है, पीएचडी मैं आपको ऑलरेडी काफी बार बता चुका हूँ, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ रिवीजन में बार बार बोलता रहता हूँ, मेरी आदत है, जितनी बारी बोलोगे ना, और मैं जितनी बार बोल रहा हूँ आप कोशिश करो उतनी बारी आप लिख सकें, जितनी बारी आप चीजों को लिखेंगे उतनी जल्दी चीजें आपके माइंड में फिट हो जाएंगी। बिलीव मी, ये चीजें आपको डेड सिंपल और डेड इजी लग रही है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में लगभग आधा घंटा लगाया, मैंने सिर्फ आपको दो टॉपिक छोटे छोटे पढ़ाए हैं, बट मैंने बार बार रिपीट करा है, क्यों, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत बार गेट में क्वेश्चन आए हैं, और बिलीव मी एक हफ्ते के अंदर अंदर ये सब कुछ आप भूल जाएंगे अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे। तो एक हफ्ते तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, दो या तीन दिन के अंदर सारा कुछ स्किप हो जाएगा, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं गेट के लिए, तो ये सब चीजें आपके माइंड में फिट होकर नहीं रहेंगे। और मैंने क्योंकि इसका प्रूफ नहीं दिया आपको, तो शायद आप चीजें बहुत जल्दी भूल भी सकते हैं। प्रूफ क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था नंबर थ्योरी की बहुत ज्यादा थ्योरम्स का यूज करके हम प्रूव कर पाएंगे, और वो गेट के सिलेबस से बाहर है। मैं जबरदस्ती पढ़ाऊंगी सही आपको, आधा पौना घंटा का वीडियो जबरदस्ती बनाऊंगा, उससे कुछ मिलेगा नहीं आपको, कोई खास फायदा नहीं होगा, जबरदस्ती का लोड आपके ऊपर बढ़ जाएगा। तो इसलिए आपको सिंपली याद रखना, और याद रखने वाली चीज आप बहुत जल्दी भूलते हैं, प्लीज बिलीव मी, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना और बार बार लिख लिख के देखते रहना चीजों को, इसलिए मैं आपको बार बार लिख लिख के बताता जा रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक समझ में आएगा होगा, फी ऑफ पी आपको क्या सिंपली याद रखना है, पी माइनस वन याद क्या रखना है, आपको वैसे समझ में आ चुका है, है ना, कि जो भी पावर है, देखो जैसे पी है तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, देखो भाई फी ऑफ पी का मतलब क्या होगा जी, पी पावर वन है ना ये, तो पी पावर वन माइनस पी पावर जीरो, तो पी पावर वन क्या होगा जी, पी, और पी पावर जीरो क्या होगा जी, वन, तो चुपचाप से आप सिंपली बोल सकते थे फी ऑफ पी क्या होगा जी, पी माइनस वन। आई थिंक प्रूफ भी समझ में आ गया होगा, सिंपल बात है एकदम, है ना। चलो ठीक है, दैट्स इट, तो यहाँ पे हमारी एक किस्म से कम्यूटेटर्स कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, एक दो बात मैं आपको और वैसे बता देता हूँ, ये जो फी है ना, ये यूलर टोशन फंक्शन है, जो सॉरी ऑयलर टोशन फंक्शन, मैं अभी यूलर बोल रहा हूँ बार बार, ऑयलर है ये, ठीक है, ऑयलर टोशन फंक्शन, ऑयलर टोशन फंक्शन बहुत ज्यादा यूज हमारा नेटवर्किंग में होगा, जब मैं क्रिप्टोग्राफी पढ़ाऊंगा आपको वहां पे यूज होगा। ठीक है, और साथ साथ ग्रुप थ्योरी में साइक्लिक ग्रुप का एक टॉपिक आएगा, वहां पे भी यूज होगा, तो वहां पे ये सब चीजें मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, तो आपके माइंड में चीजें और अच्छे से फिट हो जाएंगे। ठीक है जी,
तो और भी बहुत जगह यूज है, गेट में तो हमारे दो ही जगह पे ज्यादा यूज हो रहा है इसका, तो आपको मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से, मतलब इनकी एप्लीकेशन दिखाऊंगा। और भी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है इसकी, इवन बहुत सारे मैथमेटिक्स में थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स का प्रूफ सभी ऑयलर टोशन फंक्शन से निकल के आता है। देयर आर टन्स एंड टन्स ऑफ थ्योरम्स जिनका प्रूफ इससे निकल के आता है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको वैसे फैक्ट बताता हूँ, ऑयलर एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, इसके नाम बहुत ज्यादा मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, अराउंड 72 मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स ऑयलर के नाम पे हैं। तो समझ लो कितना बड़ा और कितना, मतलब यू कैन से इंपॉर्टेंट मैथमेटिशियन था ये हमारे लिए, ठीक है। चलो ठीक है, दैट्स इट। तो एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए, यहाँ पे हमारा कमेंट और कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपने मेरे सारे वीडियोस अच्छे से देखे हैं तो बिलीव मी, मैं आपको गारंटी देता हूँ एक एक गेट का क्वेश्चन सॉल्व होगा आपसे। और बिल्कुल जैसे मेरे काफी स्टूडेंट्स बोलते भी हैं, गेट के क्वेश्चन आपको हलवा लगेंगे एकदम आराम से, और एकदम इजीली आप सारे क्वेश्चन कंप्यूटर से सॉल्व कर जाएंगे। तो प्लीज किसी भी वीडियो को स्किप मत करना, ए टू जेड अच्छे से वीडियो सारे कंप्यूटर के देखो और उनके नोट्स बनाओ, उसके बाद आप गेट के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। मैं सच बता रहा हूँ आपको, इतना एंजॉय करोगे आप, इतना मजा आएगा आपको करने में, एक एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा, क्योंकि मैंने आपको सारी चीजों का क्रक्स समझाया है, रूट से ए टू जेड चीजें आपको समझाई हैं, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे बिलीव में। और इनफैक्ट मैं आपको गेट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा भी सही, जिससे आपको सारा अंदाजा हो जाएगा कि कैसे हम लोग अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिलीव मी, हर जगह कंप्यूटर्स घुसा पड़ा है पूरी की पूरी कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि कहीं पे भी हाउ में नहीं आया तो कंप्यूटर्स लगेगा ही लगेगा। इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से और बहुत आराम से पढ़ना, मैंने सफिशियंट टाइम लगाया है, ये मत सोचना मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाया है, मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट जितना गेट के लिए है मैंने सिर्फ उतना ही पढ़ाया है, ठीक है। इसको अच्छे से कंप्लीट कर लो और सारे के सारे गेट के क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, मैं गारंटी रहता हूँ। मैंने कोई भी चीज को स्किप नहीं किया है, मैं प्रॉमिस भी किया था जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, वहीं पे स्टार्टिंग में मैंने आप सब लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं एक भी चीज को स्किप नहीं करूंगा, ठीक है। स्किप करना तो मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है। तो प्लीज अच्छे से चीजों को पढ़ो, आपको मैं फ्री में हर एक एक चीज पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज इसकी वैल्यू करो और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।